Hello everyone, welcome back to the channel and today we are going to solve question number 29 of exercise 5.1 and the question is find the value of k so that the function f is continuous at the indicated point fx equals to kx plus 1 when x less than equal to 5 and 3x minus 5 when x is greater than 5. Okay, at x equals to 5. So देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे कोई फंक्शन जो है हमारा ऑलरेडी कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 5 पे। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, LHL इक्वल टू RHL, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, सो हम ये दोनों को अगर फाइंड करेंगे तो ये दोनों को इक्वेट करके हम आराम से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो नाउ फर्स्ट हम LHL निकालेंगे। ओके, सो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस 5, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये x इक्वल्स टू 5 पे ही कंटिन्यूस है। ओके, सो 5 माइनस f ऑफ x, नाउ लिमिट h टेंस टू 0 f, x की जगह पे 5 रखना है हमें, सॉरी 5 माइनस ऑफ h। ओके, तो x की जगह पे हमें ये यूज करनी है। ओके, नाउ 5 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 5। ओके, सो kx प्लस 1, सो लिमिट h टेंस टू 0 k, है ना, x के जगह पे 5 माइनस एच। ओके, देन ये प्लस 1, उसके बाद हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे h 0 हो जाएगा, 5 माइनस 0 इज 5, सो यहाँ पे क्या आएगा, k 5 प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा ये आया। ओके, नाउ राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f ऑफ x, नाउ लिमिट h टेंस टू 0 f 5 प्लस h करेंगे। h जो होती है हमारी बहुत ही छोटी सी वैल्यू होती है, जो हम जो गिवन वैल्यू होता है ना, जहाँ पे x टेंस करता है उसमें प्लस या माइनस करने से हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालती है। ओके, सो ये देखो लिमिट h टेंस टू 0 5 प्लस h मतलब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे, जब x ग्रेटर देन मतलब राइट हैंड लिमिट। ओके, सो यहाँ पे 3 x की जगह पे हमें ये पुट करना होता है, 5 प्लस h, नाउ यहाँ पे माइनस 5 है, सो माइनस 5 कंटिन्यू। सो अब हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है h की, तो यहाँ पे जब h की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 5 प्लस 0 इज 5, 5 थ्री जो 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 10। ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, है ना, कंटिन्यूस है x इक्वल्स टू 5 पे, सो हम LHL इक्वल टू RHL बोल सकते हैं, है कि नहीं। सो LHL हमारा क्या आया, k 5 प्लस 1 इक्वल्स टू RHL 10। ओके, सो k 5 इक्वल्स टू कितना होगा, ये प्लस 1 है, इधर जाएगा तो माइनस, माइनस का 1 होगा तो 10 माइनस 1 9, है ना, फिर k इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, सो k की वैल्यू कितनी आई, देखो 9 बाई 5 इतना आई। ओके, सो सिंपली आप देखो LHL RHL निकालेंगे, उसके बाद हम एक दूसरे के साथ वैल्यू इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन ऑलरेडी होता है जो कंटिन्यूस होता है। ओके, सो हियर वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ k, दैट इज 9/5। ओके, उम्मीद करते हो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यस प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।